नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नोएडा मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2017 में हुआ था। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, टेक्निकल पोर्शन से केवल 75 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज हम 75 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे टेक्निकल पोर्शन वाले। तो दोस्तों इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो टेक्निकल पोर्शन से ही रिलेटेड हैं। तो खासकर जो डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मैं इसमें सॉल्व करता हूँ। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज सर्किट में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहती है? तो दोस्तों सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, तो करंट रिमेन सेम इन ऑल पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर रिकमेंडेड फॉर लोकोमोटिव ड्राइव। लोकोमोटिव ड्राइव में कौन सी डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं? तो दोस्तों उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज होती है। अगला क्वेश्चन है टू वॉट मीटर मेथड कैन बी यूज टू मेजर द टोटल पावर डिलीवर्ड टू। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं कि टू वॉट मीटर मेथड किस में यूज होती है। तो दोस्तों ये स्टार कनेक्टेड विथ न्यूट्रल लोड, स्टार एज वेल एज डेल्टा कनेक्टेड लोड, स्टार कनेक्टेड लोड ओनली और डेल्टा कनेक्टेड लोड ओनली। तो दोस्तों ये दोनों के लिए यूजफुल होती है टू वॉट मीटर मेथड, चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अ करेंट 2 एम्पियर फ्लो इन द सर्किट शोन इन द फिगर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी वी विल वी। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसमें आप क्या करेंगे, दोनों ब्रांचों में आपको करंट डिवीज़न के रूल से आपको करंट फाइंड करना है, और जैसे ही दोनों सर्किट में आप करंट निकाल लेंगे तो वी ए माइनस वी वी आप जब करेंगे दोनों के अक्रॉस वोल्टेज को आप डिफरेंस करेंगे तो ये आपका आंसर 1 के इक्वल आएगा। दोस्तों इसका आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस है 5 5, तो करंट दोनों सर्किट में डिवाइड होगी इक्वली, यानी 1 एम्पियर करंट दोनों सर्किट में फ्लो होगी। अब आप वी ए और वी वी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग इज यूज इन। तो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग हम नॉर्मली डीसी सीरीज मोटर में यूज़ करते हैं, सॉरी एसी सीरीज मोटर में यूज़ करते हैं। और अगला क्वेश्चन है अ साइन वेव हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 वोल्ट, इट्स वैल्यू एट 30 एंगल विल बी। तो दोस्तों हम जब इसको फॉर्म में लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी, और दोस्तों ओमेगा टी की वैल्यू हमें 30 दे के रखी हुई है, यानी एंगल दिया है 30, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 दी हुई है। तो 20 × sin 30, sin 30 1/2, तो आपका जो आंसर होगा वो 10 के इक्वल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 वोल्ट। ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर गिव्स, तो दोस्तों ओपन सर्किट कोर लॉस देता है, और वहीं शॉर्ट सर्किट की हम बात करें तो वहाँ से हमें कॉपर लॉस मिलता है। तो शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस के लिए और ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस निकालने के लिए हम करते हैं। रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट अकर्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब अकर होता है? तो जब XL इक्वल टू XC हो जाए किसी सर्किट में, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो फ्रिक्वेंसी रहती है उसे हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, FR इक्वल टू 1/2π√ के अंदर LC। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मेजर एनर्जी इन। तो दोस्तों किलोवाट ये तो पावर की यूनिट है, किलोवाट आवर ये एनर्जी की यूनिट है, जूल पे एनर्जी की यूनिट है, लेकिन एनर्जी मीटर जो हमारा वर्क करता है वो किलोवाट आवर में वर्क करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किलोवाट आवर। जनरली यूज्ड मोटर इन डोमेस्टिक फूड मिक्सर। फूड मिक्सर के अंदर हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर हमें वहाँ पर यूज़ करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो दोस्तों जब भी हम मिक्सर को देखेंगे तो वहाँ पर स्पीड आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा RPM की स्पीड वहाँ लिखी होती है, 3000 RPM, और इससे भी ज़्यादा की यदि स्पीड आपको चाहिए है तो आप यूनिवर्सल मोटर का ही यूज़ करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हेन अ हाई वोल्टेज
ओवरहेड लाइन पासिस ओवर और एडजेसेंट टू एनी बिल्डिंग, द वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इमिडिएटली अंडर सच लाइन रिकमेंडेड इन आईई रूल इज ऑफ नॉट लेस देन। यानी किसी बिल्डिंग के जो हॉरिजेंटल में एक कोई वायर गया हुआ है और एक वर्टिकल में कोई वायर है, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस और उसी बिल्डिंग से किसी वायर की हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है, एक स्टैंडर्ड है और ये आईई रूल के अकॉर्डिंग, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग ये फिक्स रहती है। तो दोस्तों ये जब हम वर्टिकल किसी बिल्डिंग से वर्टिकल की बात करते हैं तो ये 3.7 मीटर फिक्स होना चाहिए। दोस्तों हर एक क्वांटिटी और एक न एक जो मेजरमेंट आपके हैं वो फिक्स रहते हैं। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो 2003 में आया था उसके अकॉर्डिंग ये सभी क्वांटिटीज़ फिक्स रहती हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, किसी किसी क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यदि बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग की आप अर्थिंग कर रहे हैं तो उस अर्थिंग की अर्थिंग जो रॉड लगाते हैं वो बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये 2.5 मीटर के अक्रॉस होती है। तो दोस्तों आपको ये भी याद होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन वेयर अ वेरी वाइड रेंज सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। तो ऐसी कौन सी मेथड है स्पीड कंट्रोल की डीसी मोटर के अंदर जिसमें हम वाइड रेंज में स्पीड को वेरी कर सकते हैं? तो दोस्तों वो है वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। और दोस्तों एक और आपको याद होना चाहिए इसमें कि यदि आप संट में संट फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं तो स्पीड आपकी रेटेड स्पीड से ज़्यादा होगी। और वहीं यदि हम आर्मेचर में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो आपकी स्पीड रेटेड स्पीड से कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2000 टू 220 kV ट्रांसफार्मर हैज 66 टर्न्स इन द सेकेंडरी, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टर्न्स। तो प्राइमरी में कितने टर्न्स होंगे? तो दोस्तों ये आप रेसी से देख सकते हैं। सिंपली आपको केवल इक्वेशन एक लगाना है और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एक्स आप निकालिए, आंसर होगा 660। इन केस ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर प्लगिंग इज डन बाय। तो दोस्तों किसी भी जब हम मोटर में प्लगिंग यूज़ करते हैं तो प्लगिंग में हम जो टर्मिनल रहते हैं सप्लाई टर्मिनल उनको हम इंटरचेंज करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप प्लगिंग देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन आप देखिए, इंटरचेंजिंग कनेक्शन ऑफ एनी टू फेस ऑफ स्टेटर फॉर क्विक स्टॉपिंग। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेथड होती है। और नॉर्मली एक और इसमें ब्रेकिंग में क्वेश्चन आता है कि कौन सी एनर्जी सेविंग मोड में प्लगिंग, कौन सी मेथड एनर्जी सेविंग मोड में वर्क करती है? तो दोस्तों वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसमें कि मोटर जनरेटर के जैसे वर्क करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन, तो केवीए में रेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, द एक्टिव एंड अपेरेंट पावर आपको दी हुई है और आपसे पूछा है कि पावर फैक्टर कितना होगा। तो दोस्तों सिंपली आप पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पी दिया है यानी 60, वी आई यानी 100 KVA, और ये आपका पावर फैक्टर हो जाएगा। तो दोस्तों पावर फैक्टर कितना होगा? 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज। तो जब हम लोड फैक्टर की बात करते हैं तो एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ये रेशियो होता है लोड फैक्टर का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर वाइंडिंग होती हैं वो कितने एंगल पर डिस्प्लेस्ड रहती हैं? तो उनके बीच का एंगल 120 देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज वाउंड फॉर 4 पोल सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 Hz, देन कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड। तो n इक्वल टू 120 FYP आपको यूज़ करना है, इससे आप स्पीड निकाल सकते हैं।
टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हैविंग द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड। तो फुल लोड पर हाईएस्ट पावर फैक्टर केवल कैपेसिटर रन मोटर में ही देखने को मिलता है। और दोस्तों यदि हम सेडेड पोल मोटर की बात करें तो इसमें सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क देखने को मिलता है। और अगला क्वेश्चन है, द वेव फॉर्म गिविन, जो वेव फॉर्म आपको दी हुई है इसमें आपसे पूछा है कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग। तो दोस्तों जब आप वेव फॉर्म देखेंगे तो आपको वी का वेव फॉर्म दिख रहा है और आई का वेव फॉर्म आप जब आप देखेंगे तो आपको ये इतने डिफरेंस के बाद यानी वी इसमें लीड कर रहा है आई से, तो कितना एंगल है वो है पाई बाई टू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वी लीड्स आई बाय पाई बाई टू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब यूज़ करते हैं हम, तो इनपुट का इम्पीडेंस बहुत कम होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों यही क्वेश्चन यदि हम कॉमन कलेक्टर के लिए बात करें तो कॉमन कलेक्टर में इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। तो ये दोस्तों कॉमन कलेक्टर और ये कॉमन बेस के लिए हम बात कर रहे थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जिसमें आपको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बताना है। तो दोस्तों नॉर्मली हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों कभी यदि हम सर्किट को ब्रेक करना चाहते हैं या हम एक ही सर्किट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम दो एक सर्किट में उसे तोड़ना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का वर्क यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड विल बी सेम, यानी दोनों साइड टर्न सेम रहेंगे, यानी आपका ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न सेम रहेंगे और आइसोलेशन के जैसे वर्क करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ई फ्यूज मटेरियल शुड पॉसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो फ्यूज मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और दोस्तों फ्यूज हम लेड और टिन को ऐड करके बनाते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और नॉर्मली हम फेस में ही इसको ऐड करते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए कि हमेशा फ्यूज़ आपका फेस में ही लगाया जाता है सीरीज में। और दोस्तों एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि फ्यूज़ में जो करंट फ्लो होता है वो डायमीटर के किस रेशियो में प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये रेशियो फ्यूज़ में देखने को मिलता है कि वहाँ आपको करंट उसके डायमीटर की पावर 3/2 के फॉर्म में आपको प्रोपोर्शनल में देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इन स्टार कनेक्टेड बैलेंस सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइन वी आर वाई एंड वी आर एन। दोस्तों इसमें सिंपल आपसे पूछा गया है कि लाइन और फेज वोल्टेज में कितने का डिफरेंस होगा, यानी कितना एंगल उसमें डिफरेंस होगा। तो आप सिंपली सर्किट ड्रॉ कीजिए आर वाई एंड वी। अब दोस्तों यहाँ पर आर आपको पता है और आपसे आर वाई के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ से आप इसका एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस वी वाई। दोस्तों इनका जब आप इक्विवेलेंट लेंगे तो आपको मिलेगा वी आर वाई, जो कि एंगल होगा जिसका 30 डिग्री, यानी यहाँ पर आप सिंपली अब सर्किट आपको उस क्लियर दिखने लगेगा जो भी आपका वी आर था यहाँ पर, और इक्विवेलेंट आपका जो आया वी आर वाई यानी लाइन वोल्टेज वो कितना डिग्री डिफरेंस है इसमें, 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन सीरीज आरएलसी सर्किट द कंडीशन बिलो द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के नीचे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है आपकी, और इस वाले जगह पर यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम कंडीशन में हमारा एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स एल। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की यदि हम ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी। तो दोस्तों ये दो कंडीशन आपको याद होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है ब्रिज सुटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो क्यू फैक्टर इंडक्टेंस। तो लो के लिए आप एंडरसन ब्रिज का यूज़ करते हैं, हाई के लिए हेज ब्रिज का यूज़ करते हैं, शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए और मैक्सवेल ब्रिज इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ब्रिज से पूछे जाते हैं, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज और एंडरसन ब्रिज। तो इसके क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए किससे क्या मेज़र करते हैं। नॉर्मली आपको फॉर्मूला भी इनका याद होना चाहिए हेज ब्रिज का। अगला क्वेश्चन है द डिफ्लेशन रीजन ऑफ पी एन जंक्शन इज कंसिस्ट ऑफ। तो पी एन जंक्शन की जो डिफ्लेशन विड्थ रहती है वो इसमें मोबाइल चार्जेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी दी है, इनपुट में वोल्टेज और आपको पावर दिया हुआ है और आपको सेकेंडरी में वोल्टेज दिया हुआ है, आपसे पूछा है प्राइमरी करंट कितना होगा। तो नॉर्मली हम इसको, यदि आपको पावर फैक्टर नहीं दिया है तो इसको हम यूनिटी पावर फैक्टर पर लेकर चलते हैं, और आपको पावर दिया हुआ है और आपसे पूछा है करंट कितना होगा। तो 4 किलोवाट अपॉन प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो 100, यानी आपका जो करंट होगा प्राइमरी साइड में वो 40 एम्पियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू पूछी हुई है। तो आरएमएस क्या होता है, वी एम अपॉन √2। वी एम यदि आप देखेंगे तो 200 दिया है, अपॉन √2, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 141.4। दोस्तों पैरेलल सर्किट की जब हम बात करते हैं और इसमें इक्विवेलेंट जो इम्पीडेंस आता है आपका, इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट अंडर रेजोनेंट कंडीशन। तो दोस्तों यदि आप सीरीज सर्किट की बात करें तो सीरीज में आपको सिंपली पता होता है कि सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आता है वो होता है आर के इक्वल। लेकिन यदि आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है आर एल एंड सी का, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट रहती है। इस केस में जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है जो सर्किट का वो होता है जेड इक्वल टू एल वाई सी आर, एल वाई सी आर। तो दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए। ब्रशेस आर प्रोवाइडेड इन डीसी मशीन फॉर स्मूथ रोटेशन, प्रोवाइड अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, रिड्यूसिंग द लॉसेस, प्रिवेंटिंग स्पार्किंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। तो दोस्तों ये थे हमारे 32 क्वेश्चन और लगभग लगभग हम इसमें 35 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं 35 और क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज गिवन बाय, तो इक्वल टू -N d∅ dt होता है। द सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज, तो पी एन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो ये है, ये आपका नॉट गेट दिया हुआ है, ये आपका BJT दिया हुआ है और यहाँ पर ये वेरिएबल कैपेसिटर का फॉर्म में दिया हुआ है, बैरेक्टर डायोड भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पावर डिलीवर टू लोड रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। तो दोस्तों जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर थ्योरम की बात करते हैं तो वहाँ पर पी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज अपॉन 4 × R थेवेनिन। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर की यदि हमसे बात की जाएगी तो वहाँ पर हम सबसे पहले थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं और वहाँ उसके बाद आर थेवेनिन रेजिस्टेंस, जिससे कि हम वहाँ पर मैक्सिमम पावर फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। इसके आने वाले वीडियो, अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं 35 क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का आदत डालिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीटेड रहते हैं लेकिन उनमें से भी हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फाइंड करना है जो कभी हमने देखे नहीं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे छूट ना जाएं, इसलिए आप हर एक वीडियो को अंत तक देखा करें। थैंक यू।